क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटान जोरों पर वन विभाग है मौन। इस समय कस्बे के आसपास सहित क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटान जोरों पर है। इतना ही नहीं, हरे पेड़ों को ठिकाने लगाने के लिए क्षेत्र में अवैध आराम शीर और कोयला भट्टियां भी संचालित हो रही हैं। इतना ही नहीं, हरी लकड़ी को पड़ोसी जनपद पांडा में भेजकर भी ठिकाने लगाया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिजनोडा, फैंसता, उर्दना, गुरदहा और खंडेह सहित अन्य कई गांवों में इस दौरान हरे पेड़ों की कटान जोरों पर है, जिन्हें ठिकाने लगाने के लिए कुछ गांवों में अवैध आरा मशीनें चल रही हैं, तो कुछ गांवों में अवैध कोयला भट्टियां संचालित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, कस्बे के आसपास कप्सा रोड और सिसोलर रोड पर ही कस्बे के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ही कई कोयला भट्टियां चलाई जा रही हैं, जिन पर वन विभाग और कोतवाली पुलिस की नजरें नहीं पड़ रही हैं। या दोनों विभाग क्षेत्र में होने वाली हरे पेड़ों की अवैध कटान और चल रही है कोयला भट्टियां और आरा मशीनों को अनदेखा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र की लकड़ियों पर पड़ोसी जनपद बांदा की लकड़ी माफियाओं की इस कदर नजर लग चुकी है कि बांदा के लकड़ी माफिया क्षेत्र के गांवों की लकड़ी को लोडर में भरकर बेखौफ दिन दहाड़े निकल रहे हैं, जबकि बिना हेलमेट के बाइकों का चालान काटने वाली पुलिस के लकड़ी भरे वाहन दिखाई नहीं दे रहे। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी इफ्तिखार अहमद ने बताया कि सरकार ने किसान को लाभ देने के उद्देश्य से बबूल, विलायती बबूल, यूकेलिप्टस, बेरी, चिल्ला जैसे पेड़ों की कटान और ढुलान यानी आवागमन की छूट दी गई है। इसलिए इस संबंध में वन विभाग कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पुलिस के पास ट्रैक्टर पकड़वाने का पावर है तो पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है। अपडेट मीडिया के लिए मौदहा से अमित कुमार की रिपोर्ट।